assalamu alaikum and what's up guys hope so you all are in good of your spirits. so guys if you haven't subscribed my channel do subscribe it and please share it with your friends and fellows so that it might help them as well so starting with the today's topic that is basically the development of eye and ear so starting with the development of eye okay so we have our 22nd day बनना शुरू होती है थ्रू एन ऑप्टिक ग्रूव ठीक है इस ऑप्टिक ग्रूव से हमारी आंख बनना शुरू होती है और ये ऑप्टिक ग्रूव खुद किन चार चीज़ों से किन चार लेयर्स से बनती है उसमें सबसे पहले तो हमारे पास हमारी डाइन सेफलॉन की न्यूरो शामिल है जिधर से ऑप्टिक ग्रूव बनेगी उसके बाद हमारे पास हमारी हेड में आ, आपको आपके पास सरफेस एक्टोडर्म होती है वहाँ से आपकी ऑप्टिक ग्रूव जो है वो बनेगी इसके अलावा आपकी न्यूरो एक्टोडर्म और इस सरफेस एक्टोडर्म के दरमियान में मीजोडर्म होती है वहाँ से भी ऑप्टिक ग्रूव डिराइव करेगी और जो आपके न्यूरल क्रेस सेल्स होते हैं वहाँ से ऑप्टिक ग्रूव डिराइव करेगी तो बेसिकली ये ऑप्टिक ग्रूव जो है ये हमारी आई की फॉर्मेशन में जो है वो रोल प्ले करती है ठीक है और ट्वेंटी सेकेंड डे पे ये ऑप्टिक ग्रूव जो है हमारे पास बन जाती है अगर ने लिखा हुआ है कि हमारे पास जो पी एक्स सिक्स जीन है ये बेसिकली एक रेगुलेटरी जीन है आपकी आई की डेवलपमेंट में ठीक है अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी ये जो चारों लेयर्स जो ऑप्टिक ग्रूव बना रही हैं बेसिकली ये चारों लेयर्स किस तरह से हमारे पास आई की जो है स्ट्रक्चर्स बनाएंगी ठीक है इनकी ख़ुद किस तरह से डेवलपमेंट होगी और फिर वो जो हमारे पास चीज़ें बनेंगी वो आगे किस तरह से आई की स्ट्रक्चर्स बनाएंगी तो मैं आपको बताती हूँ एक डायग्राम से तो आप देखें कि यहाँ पे आपके पास जो आपकी फोर ब्रेन होती है ना ठीक है ट्वेंटी सेकेंड डे पे जब हम उसे देखते हैं तो उसमें आपको ऑप्टिक ग्रूव्स नजर आएंगे ठीक है ये डायग्राम हम डिस्कस करें इसमें आपको ये देखें ऑप्टिक ग्रूव नज़र आ रहे हैं ये ठीक है ये ऑप्टिक ग्रूव्स जो हैं ये आपको ट्वेंटी सेकेंड डे पे आपकी फोर ब्रेन में नज़र आएंगे ट्वेंटी एट्थ डे पे क्या होता है कि ये जब आपकी फोर ब्रेन क्लोज़ हो जाती है ठीक है इस तरह से यहाँ पे ये क्लोज़ हो गई है और अब ये ऑप्टिक ग्रूव कन्वर्ट हो चुकी है इनटू एन ऑप्टिक वेजिकल ठीक है ये सारी हमारे पास ऑप्टिक वेजिकल है अब उसके बाद क्या होता है ऑप्टिक रूप से हमने देखा कि किस तरह से ऑप्टिक वेजिकल बनी है ठीक है ये ऑप्टिक वेजिकल आगे हमारे पास बनाएगी ऑप्टिक कप और ऑप्टिक स्टॉक ठीक है ये हमारे पास क्या बनाएगी ऑप्टिक वेजिकल इस ऑप्टिक वेजिकल से हमारे पास ऑप्टिक कप बनेगी और ऑप्टिक स्टॉक बनेगी ठीक है ये आपके पास ऑप्टिक कप है और ये जो उसके साथ है नीचे कनेक्शन दैट इज द ऑप्टिक स्टॉक ठीक है अब होता क्या है कि ये आपकी जो डायनसेफिलॉन बेसिकली फोरब्रेन का जो पार्ट है ना डायन ठीक है उसमें जब इवेजिनेशन होती है तो हमारे पास ऑप्टिक वेजिकल बनता है ठीक है अब हमारे पास किस तरह से इवेजिनेशन होती है आपको पता है ये जो आपके पास आ, यहाँ पे ऑप्टिक वेजिकल पड़ा है ना ये सारा ऑप्टिक वेजिकल है ये वाला ठीक है ऑप्टिक वेजिकल के बाहर हमारे पास लेंस प्लेकोड्स होते हैं अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपकी आई की डेवलपमेंट तो आपको पता होनी ही चाहिए लेकिन आई की डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लेंस की डिवेलपमेंट है ठीक है तो वो भी मैं आपको अभी इसी डायग्राम से समझाती हूँ ठीक तो ये जो आपके आ, हमारे पास आ, ऑप्टिक वेजिकल हैं ठीक है इन ऑप्टिक वेजिकल्स के बाहर हमारे पास ये लेंस प्लेकोड्स हैं ठीक है पर्पल कलर में लेंस प्लेकोड्स हैं और नीचे जो आपके पास सी ग्रीन कलर है दैट इज़ योर ऑप्टिक वेजिकल ठीक है अब होता क्या है कि जो आपके ये लेंस प्लेकोर्स हैं ये अंदर की तरफ इनवर्जिनेट कर रहे हैं इस डायग्राम में आप देखें ये इनवेजिनेट करें और जो ये आपकी ऑप्टिक वेजिकल है ये ये ऑप्टिक वेजिकल ये बाहर की तरफ ई वेजिनेट करिए इस तरह से ठीक है तो हमारी ई से बेसिकली क्या बनेगी ऑप्टिक वेजिकल ठीक है फ्रॉम द न्यूरोक्टोडर्म ऑफ डाइनसेफेलॉन ठीक है ये डायनसेफेलॉन है इसकी न्यूरोक्टोडर्म की ई e वेजिनेशन जब हुई तो हमारे पास ऑप्टिक वेजिकल बनी और जब हमारे पास आपकी लेंस प्लेकोड ने अंदर इनवेजिनेट किया तो हमारे पास क्या बन गई लेंस वजिकल ठीक है जो आगे लेंस बनाने में हेल्प करेगी ठीक है जिसमें से आपके लेंस आईलेट्स की लेंस और आईलेट्स की आप बनेगी इस लेंस वेजिकल से इसके अलावा आपकी कंजंक्ट कॉर्निया वगैरह इस लेंस वेजिकल से बनेगी ठीक है अब हम देखते हैं वापस चलते हैं और अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो न्यूरोक्टोडर्म है ये हमारे पास क्या क्या बनाएगी ठीक है हमने देखा था न्यूरोक्टोडर्म ने इमेजिनेशन के जरिए ऑप्टिक वेजिकल बनाई ऑप्टिक वेजिकल से ऑप्टिक कप और ऑप्टिक स्टॉक बनी ठीक है अब हम देखते हैं कि उसकी ऑप्टिक कप से कौन से स्ट्रक्चर्स बनेंगे और ऑप्टिक स्टॉक से कौन से स्ट्रक्चर्स बनेंगे ठीक है ऑप्टिक कप से हमारे पास रेटिना आयरस और सीलरी बॉडी बनेगी ऑप्टिक स्टॉक से ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक क्याजमा और ऑप्टिक ट्रैक बनेगा ठीक है उसके बाद अगर हम मीजोडर्म को देखें तो मीज़ोडर्म से हमारे पास क्या बनेगा आपके कुछ पोर्शंस जो हैं स्क्लेरा के वो बनेंगे ठीक है और कॉर्निया स्लैरा और दोनों के कुछ पोर्शंस बनेंगे इसके अलावा एक्स्ट्राकुलर मसल्स और वटरस बॉडी बनेगी ठीक है फिर हम देखते हैं कि हमारी सरफेस एक्टोडर्म जो है आपकी हेड की उससे क्या चीज़ें बनेंगी ठीक है तो उससे हमने देखा था कि हमारे पास बेसिकली जब उसकी इमेजिनेशन होती है तो लेंस प्लेकॉट बनते हैं फिर लेंस वेजिकल्स बनते हैं और ये जो लेंस वेजिकल्स हैं ये आगे से हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स देखते है, जो है वो देते हैं जिनमें हमारे पास क्या है इसमें हमारे पास आ जाते हैं लेंस एंड आईलेट्स की एपिथेलियम कंजंक्टिवा और कॉर्निया ठीक है फिर हमारे पास फाइनली जो न्यूरल क्रिस्ट सेल्स हैं वो किस तरह से आई की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं कि जब ये न्यूरल क्रिस्ट सेल्स हमारे पास डिफ्रेंशिएट करते हैं ना इनके डिफ्रेंशिएशन से हमारी कुछ पोर्शंस जो हैं स्क्लेरा और क्रोइड के वो बनेंगे इसके अलावा स्विंगटर प्यूपला और डायलैटर प्यूपली मसल्स बनेंगे और सिल्री मसल्स बनेंगे ठीक है तो ये हमने देखा कि किस तरह से जो ऑप्टिक ग्रूव जिन चार लेयर्स से बन रही थी जिन चार सेल्स से बन रही थी ठीक है लेयर्स के सेल्स से या जिन चार चीज़ों से बन रही थी उन्होंने आगे से आइस के कौन कौन सी चीज़ें बनाई ठीक है उन्होंने आइस के कौन से डेरिवेटिव्स दिए हमें ठीक है अब हम देखते हैं कि हमारे जो क्रोयड फिजर या जैसे आप ऑप्टिक फिजर कहते हैं आपकी आँख में ठीक है वहाँ पर बेसिकली क्या होता है वहाँ पे आपके पास होते हैं आ, आ, कुछ वेसल्स ठीक है कुछ वेसल्स जो आपकी को एम्ब्रॉनिक लाइफ में सप्लाई कर रही होती है उनको हम हाइलोइड वेसल्स कहते हैं ठीक है उनको हम क्या कहते हैं कि दीज आर हाइलोइड वेसल्स अब वो हाइलोइड वेसल्स हमारे पास जो हैं वो बेसिकली आपके इन क्रोइड फिजर्स के अंदर से गुजरती हैं ठीक है ठीके? और ये जो क्रोइड फिजर्स फिजर्स हैं बेसिकली आपके ऑप्टिक स्टॉक और वि जो विट्रस बॉडी है उनके दरमियान पड़ी होती है ठीक है ये क्रोइड जो फिजर्स हैं ये आपके ऑप्टिक बॉडी और ऑप्टिक स्टॉक और सॉरी ऑप्टिक स्टॉक और जो आपकी विट्रस बॉडी है उनके दरम्या में पड़ी होती है ठीक है तो अब हमने यहाँ तक आई की एक जनरल जो है वो सारी डेवलपमेंट देख ली है अब हम कुछ आई के मेन स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट देखने लगे हैं यहाँ पर ठीक है जिसमें आपके पास कॉर्निया स्कलैरा आयरस लेंस सिल्वर बॉडी कुरोड और रेटना है उनकी अब हम डेवलपमेंट देखते हैं ठीक है तो जो हमारी कॉर्निया है वो आपकी सर्फिस एक्टो डर्म से बेसिकली जो है वो डिवेलप करेगी और इस कॉर्निया की हमारे पास कॉर्नियल एपिथीलियम बनेगी इसके अलावा ये मीजन कैमिया मिजोडोम से अपना स्ट्रोमा बनाएगी और न्यूरल क्रेस सेल से अपनी एंडोथीलीम बना लेगी ठीक है स्क्लेरा किस तरह से डेवलप करता है जो स्क्लेरा की आउटर फाइब्रस लेयर है ना वो हमारे पास मीजोडम और न्यूरल क्रेस सेल से डेवलप करेंगे ठीक है और ये जो स्क्लेरा है एंटीरली ये कंटीन्यूस होता है कर्निया के साथ और आपकी जो ड्यूरा मैटर है उसके साथ पोस्टीरियरली कंटीन्यूस होता है ठीक है फिर हम आयरस को देख लेते हैं तो आयरस बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट होता है आपकी जो आयरस है ये ऑप्टिक कप की दो दोनों जो लेयर्स हैं ठीक है आपकी ऑप्टिक कप टू लेयर स्ट्रक्चर है तो उनकी दोनों लेयर्स की एपिथीलियम से आपके पास एक तो ये आयरस जो है ओरिजिनेट करेगा इसके अलावा जो मीज़ोडर्म है जिससे आयरस का स्ट्रोमा बनेगा उससे ये आयरस जो है वो ओरिजिनेट करेगी ठीक है और आपको आयरस में पिपिलाई मसल्स नज़र आएंगे जिसमें आपके पास डायलेटर और स्विंटर पीपली मसल्स होंगी ठीक है जो हमारे पास आयरस है ना ये मोस्टली आपके कलर या पिगमेंटेशन में हेल्प करती है ये आपको लाइट ब्लू आपके यहाँ को लाइट ब्लू ग्रे ब्राउन या ब्लैक कलर देती है ठीक है जो ये कलर्स हैं बेसिकली ये डिपेंड करते हैं ऑन द कंसनट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट ठीक है मेलेनिन पिगमेंट जितना uh, होगा जिसकी जितनी क्वांटिटी होगी उस बेस पे आपकी आई कलर जो है दैट इज़ डिटर्मेंट ठीक है बाय दिस आइरिस ठीक आगे हम देखते हैं लेंस तो लेंस कहाँ से ओरिजिनेट होता है या आपकी सरफेस एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है हमने देखा था कि लेंस प्लेकूड्स जो हैं वो बनते हैं फिर उससे लेंस विजिकल्स बनते हैं ठीक है आपकी जो आयरस और लेंस आपने याद रखना है आयरस और लेंस इन दोनों को एक मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है जिसे हम क्या कहते हैं दिस इज़ आयरडोप्रिपलरी मेम्ब्रेन ठीक है नॉर्मली ये जो मेमब्रेन है ना ये बर्थ से पहले डिसपेयर हो जाती है ये रिजॉर्ब हो जाती है डिसपेयर हो जाती है ठीक है उसके बाद हम सिलरी बॉडी देख लेते हैं तो ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है ये बेसिकली आपके सिलरी मसल्स और इसमें आपको आ, जो है इसकी ओरिजिनेशन बिल्कुल यानी जो ये कहाँ से ओरिजिनेट या आर आइस करती है वो बिल्कुल आयरस की तरह ठीक है, है जिस तरह हमने आयरस की डेवलपमेंट देखी है ना दैट इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम टू लेयर्स ऑफ ऑप्टिक आप ठीक है और मिजोडम से जो है ओरिजिनेट करती है इसी तरह सिलरी बॉडी भी उसी तरह ओरिजिनेट करेगी इसमें आपको सिलरी मसल्स नज़र आएंगे और सिलरी प्रोसेसेस नज़र आएंगे ठीक है और इसके सिलरी प्रोसेसेस बेसिकली हमारे पास एक्विस्ट ह्यूमर बनाते हैं ठीक है थीके? जो आपकी आंख का एक्व ह्यूमर है वो सिलरी बॉडी के सिलरी प्रोसेस बनाएंगे अब हम देखते हैं कोरोइड तो हमारे पास जो वेस्कुलर लेयर है आँख की उसे हम कोरोइड कहते हैं और ये किससे डेवलप होती है आपके ऑप्टिक कप को सराउंड करने वाली मीजन काइम से कोरोइड डेवलप होती है ठीक है उसके बाद हमारे पास रेटना आ जाता है तो रेटना में बेसिकली हमारे पास आउटर लेयर जो है वो आपके पास ऑप्टिक कप की और जो इनर लेयर है रेट ऑप्टिक कप की वो हमारे पास जो है वो रेटिना की लेयर्स बनाती हैं ठीक है आपके जो ऑप्टिक कप की आउटर और इनर लेयर्स हैं वो हमारे पास रेटिना की लेयर्स बनाती हैं ठीक है अब जो आपके पास ऑप्टिक कप की आउटर लेयर है वो रेटिना की पिगमेंटेड लेयर बनाएगी और जो आपके पास ऑप्टिक कप की इनर लेयर है वो रेटिना की न्यूरल लेयर बनाएगी ठीक है ये जो दोनों लेयर्स हैं ठीक है ऑप्टिक कप की और सॉरी रेटना की जो दोनों लेयर्स हैं ये आपस में सेपरेटेड होती हैं बाय इंट्रा रेटिनल स्पेस ठीक है और एडल्ट्स में आपको जो है ये इंट्रा रेटिनल स्पेस नज़र नहीं आएगी ये ऑब्लिट्रेट कर जाती है ठीक है अब ये जो आपकी इनर लेयर है ना ठीक है इनर न्यूल न्यूरोल लेयर जो है आपकी रेटिना की ठीक है ये हमारे पास कॉन्स और रॉड्स बनाएंगी इसके अलावा बाइपोलर सेल्स और गैंगलियन सेल्स बनाएंगी ठीक है तो यहाँ पे आपकी रेटिना की भी डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है अब हम आई की अनोमिलीज देखते हैं तो पहली अनोमिली जो है दैट इज़ कोलोबोमा आइरिडिस ठीक है कोलोबोमा आइरिडिस में क्या होता है कि आपका जो क्रॉयड फिजर है ना वो क्लोज नहीं कर पाता जिसकी वजह से क्या होती है कि आपकी आयरस में क्लेफ्ट बन जाती है ठीक है आपकी आयरिस में क्या बनेगी क्लेफ्ट बनेगी इन कोलोबोमा आइरिडाइस ठीक है उसके बाद हमारे पास कंजेनिटल कैटेक्ट होते हैं ये सबसे इनहेरिटेड इनोमिली है ठीक है इसमें क्या होता है कि आपके जो नॉर्मल लेंस है ना वो ओपेक हो जाते हैं ठीक है थीके? उनके आगे यानी क्लाउडीनेस आ जाएगी ठीक है तो ओपेसिटी और क्लाउडीनेस जो है नॉर्मल लेंस में जब नज़र आएगी तो दैट इज़ ड्यू टू कंजेनेटल कैटरैक्ट्स ठीक फिर हमारे पास है माइक्रोफथेलमिया माइक्रोफथेलमिया में क्या होता है कि आपकी आँख बहुत छोटी होती है और इसमें आपके साथ माइक्रोफेलमिया uh, को जो है ज़्यादातर जो ऑक्यूलर अनोमिलीज़ हैं वो अकम्पनी uh, करती हैं उसके साथ ये एसोसिएटेड होती हैं ठीक है थीके? उसके बाद है आपके पास एनोफेलमिया एनोफेलमिया बेसिकली जब आपकी आँख बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होती ना ठीक है तो उसे आप एनोफेलमिया कहते हैं ठीक है ये किस वजह से होती है जब आपके ऑप्टिक वेजिकल्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाती तो आपके पास एनोफेलमिया होती है जिसकी वजह से आपकी आँख ही डेवलप नहीं कर पाती और वो एबसेंट होती है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है साइक्लोपिया या आ, और इसके अलावा स्नोफथेलमिया ठीक है साइक्लोपिया यानी एक आंख बनेगी और स्नोफथेलमिया यानी फ्यूज होंगी आपकी आंखें ठीक है तो दोनों जो केसेस हैं इसमें आ, ये किस वजह से बेसिकली हो रहे होते हैं जब आपके जो आ, सेरेब्रल स्ट्रक्चर्स हैं वो मिड लाइन में जो आपके सेरेब्रल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी डेवलपमेंट में फेलियर आ जाए ठीक है यानी इस प्रो, प्रो जो प्रोसेस जिसमें आपके मिडलाइन सेरेब्रल स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट होती है ना उस अगर वो ना हो ना हो पाए ठीक है उससे हम कहते हैं कि दिस इज़ हॉलो प्रोजनसेफ्ली बेसिकली हम कह सकते हैं कि साइक्लोपिया और साइनोफेलमिया की कॉज क्या है सेफली ठीक है हॉलो से सेफली इज़ द कॉज ऑफ साइक्लोपिया एंड साइन ऑफ़ साइनोफेलमिया जिसमें आपके मिड लाइन सैब्रल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिवेलप नहीं हो पाते ठीक है और वो यानी उनकी डेवलपमेंट में फेलियर होती है जिसकी वजह से आपको हॉलो प्रोजन सेफली नज़र आती है और इसकी वजह से अल्टीमेटली साइक्लोपिया और सिनोफथेलमिया होता है ठीक है फिर है हमारे पास परजिस्टेंट आयोरडोप्यूपलरी मेम्ब्रीन ठीक है इसमें क्या होता है कि आपको एक वेब लाइक कनेक्टिव टिश्यू नजर आएगा जो आपके प्यूपल को पार्सली कवर करेगा ठीक है ये uh, आपकी विजन के साथ बेसिकली इंटरफेयर करता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट नॉर्मली है दैट इज़ कंजेनेटल ग्लूकोमा इसमें क्या होगा कि एक एम इंक्रीज़ आपको नजर आएगा आपके आँख के इंट्राओकुलर प्रेशर में ठीक है जिसकी वजह से क्या होगा कि जो uh, आपके एक्वि ह्यूमर के ड्रेनेज पाथवेज़ है ना वो एबनॉर्मली डिवेलप करेंगे ठीक है और उसमें एक पाथवे जो है दैट वुड बी थ्रू द कैनाल ऑफ शल्व ठीक है जिसके ज़रिए एबनॉर्मल पाथवे होगा जिसके जरिए आपका एक्वि ह्यूमर जो है वो ड्रेन करेगा एंड दैट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज एबनॉर्मल इंट्रोक्यूलर प्रेशर विद इन द आइज़ ठीक है जिसकी वजह से इंजेनेटिक गलोकोमा हो सकता है ठीक नेक्स्ट नॉर्मली है हमारे पास रेजिस्टेंट प्रजिस्टेंस ऑफ डिजिटल पार्ट ऑफ हाइलोइ आर्ट्री इसमें क्या होता है कि आपके पास एक नॉन फंक्शनल कॉर्ड या सिस्ट जो है आपको आँख में नज़र आएगा उसके बाद है हमारे पास कंजेटल एफिकिया या फिर एक और डिजीज़ भी है यहाँ पर लिखी हुई है एनरिडिया ठीक है ये दोनों जो हैं बहुत ही रेयर हैं जो कंजेनेटल इफेकिया है ये जब आपकी लेंस एब्सेंट होंगे तो उस वजह से होता है और जो एनरिडिया है जब आपकी आयरस एब्सेंट होगी तो उस वजह से होगा ठीक है उसके बाद है पेपलेडीमा जब पेपलाज में एडिमा हो जाएगा फ्लूड एक्यूमलेशन हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ करेगा और उस कंडीशन को हम कहेंगे जैसे डीमा ठीक है डिटैच रेटेना में क्या होगा कि आपका जो इंट्रा रेटिनल स्पेस है वो ऑब्लिट्रेट नहीं कर पाती जिसकी वजह से आपका जो कंडीशन है दैट इज़ डिटैच रेटिना ठीक है और ये ज़्यादातर कंजनटल हो सकती है या किसी ट्रामा की वजह से हो सकती है ठीक है ईयर जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं